रीवा नगर एवं जिले को घोर सर्वनाश की ओर ढकेला जा रहा है। हिंदुस्तान उत्थान पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कार्यवाही की मांग की। हिंदुस्तान उत्थान पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर रीवा को समदड़ियापुरम बनाने से रोकने की मांग की है। ड्रेनेज पाइपलाइन के नाम से पूरे शहर को जिस तरीके से खोदकर फेंक दिया गया, उसे तत्काल सुधरवाने की मांग के साथ बिजली पानी की समस्या से शहरवासियों को निजात दिलाने की मांग की है। हिंदुस्तान उत्थान पार्टी ने मामा से मांग की है कि भांजों की बात मान उनमें विश्वास पैदा करें, नहीं तो वो एक माह बाद आंदोलन करेंगे। किस लिए आए आप? हम कलेक्टर को, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देना है कलेक्टर महोदय के नाम से, इनके द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन देना है। किस चीज़ के लिए? इसलिए ये समदरिया राजेंद्र शुक्ला जो हैं मंत्री महोदय, ये पूरा शहर की कोई ज़मीन नहीं बची, कौड़ी के भाव समदरिया को दे रहे हैं। और दूसरी ये रीजन है सर कि राज कपूर ऑडिटोरियम जो बना है वो आम आदमी के लिए किस काम के लिए है? वो सामान्य वर्ग के किसी काम का नहीं है। 24 करोड़ की लागत से बना है, हम मानते हैं 24 करोड़ में अगर कम से कम 5000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सकता था उसी 24 करोड़ में जिसमें लगा है। और उसके अलावा कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम क्यों रखा गया हमारे बिंद में कि रीवा में ऐसे महान क्रांतिकारी अब उनके नाम से रखा जाए? हमारे यहाँ तो तानसेन भी पैदा हुए रीवा में, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो बिंद के लिए या रीवा के लिए किया है। राज कपूर का नाम इसलिए सिर्फ रखा गया कि उनकी शादी हुई थी करतार नाथ मल्होत्रा की लड़की से, उस समय रीवा राज्य के आईजी थे करतारनाथ जी। इसके अलावा ना वो वहाँ के हैं, रीवा के हैं, और राज कपूर की पैदाइश कराची में हुई है, तो किस बेस पे इसका नाम बदला जाए? राज कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम का